अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमिशन मास्टर एंड क्लाइमेट कंट्रोलर के बारे में। इसको हम इलेक्ट्रिकल पैनल कंट्रोलर भी कहते हैं। तो ये मेरे पास एक टेम्पट्रॉन का क्लाइमेट कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर को हम कंट्रोल शेड के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर F1 यानी कि फ़ैन 1 से लेकर फ़ैन 12 तक, यानी कि ये 12 पंखों को कंट्रोल कर सकता है। तो वो पंखों की जो मोटरें हैं वो 3 फेज हो या सिंगल फेज हो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मोटर से कंट्रोल करवाना चाहते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन आ जाता है हीटर का, यानी कि एक हीटर को कंट्रोल कर सकता है। हीटर भी 3 फेज हो या सिंगल फेज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा कूलिंग 1, कूलिंग 2, यानी कि 2 कूलिंग पैड की ऑप्शन है इसमें। कूलिंग पैड का मतलब होता है कि कूलिंग पैड के लिए जो 2 3 फेज मोटरें होती हैं उनको ये कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा लाइट्स है। लाइट्स का इसमें ये फीचर होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटों में आपकी लाइट जो है वो 8 घंटे आपके कंट्रोल शेड की लाइट ऑन रहे और बाकी 16 घंटे जो है वो ऑफ हो जाए, तो आप इसमें टाइमिंग सेट कर देंगे कि आपकी जो लाइट है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ऑन रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और अगले दिन फिर सुबह 8 बजे से या जो भी टाइम आप इसमें सेट करना चाहते हैं उस टाइम में ऑन हो जाएगी। और उसके बाद ऑप्शन आता है अलार्म का। इसका अलार्म का ये होता है कि अगर आपका कंट्रोल शेड का टेम्परेचर अगर आप चाहते हैं कि 30 डिग्री से ऊपर ना हो तो आप इस अलार्म को सेट कर सकते हैं, यानी कि आपका टेम्परेचर जो है वो 30 से या 25 से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर इससे ऊपर चला जाए किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी फ़ैन की ख़राबी की वजह से, तो आपका अलार्म जो है वो सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जी। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ये 3 डिस्प्ले बार शो हो रही हैं, यहाँ पे इन हाउस टेम्परेचर, ब्रूडिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें कि पैरामीटर कोड और डिस्क्रिप्शन कोड, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। पैरामीटर कोड में F01 से लेकर F12 तक जो कोड है वो क्या करेगा, वो सेट टेम्परेचर फॉर फैन 1 से लेकर 12, यानी कि 1 से लेकर 12 तक जो फैन है इनको कंट्रोल करने के लिए जो पैरामीटर कोड है जिसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे सिलेक्ट और प्रोग्रामिंग की मदद से, वो है F1 से लेकर F12 तक वो कोड होगा जो कि 1 से लेकर 12 तक के फैन को कंट्रोल करेगा टेम्परेचर के लिए। लेकिन सेट टेम्परेचर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो टेम्परेचर के लिए इसको कंट्रोल करेगा। उसके अलावा पैरामीटर कोड में आता है F21 से लेकर F32 तक, F21 से लेकर F32 तक जो कोड है ये सेट पल्स टाइम फॉर फैन, यानी कि फैन की टाइमिंग को कंट्रोल करेगा। पहले जो F1 से लेकर 12 तक जो कोड था वो फैन के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, और उसके अलावा जो F21 से 32 तक जो कोड है वो इसकी टाइमिंग को कंट्रोल करेगा। उसके अलावा आ जाता है C01, C02 और H01। ये तीनों कोड में देखें कि C01 कूलिंग के लिए है, कूलिंग 1 के लिए है, C02 है कूलिंग 2 के लिए, और H01 है हीटर के लिए, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हीटर का ऑप्शन है। कूलिंग 1 और कूलिंग 2 यानी कि 2 आप इसमें कूलिंग पैड की जो मोटरें हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा नीचे आ जाता है C21 और C22, ये सेट पल्स टाइम फॉर कूलिंग, यानी कि C1 और C2 जो है वो इसकी टेम्परेचर को सेट करेंगे और C21 और C22 का जो कोड है ये इसके टाइमिंग को सेट करेगा। उसके अलावा HUL, ह्यूमिडिटी फॉर कूलिंग, HUL का कोड जो है वो ह्यूमिडिटी फॉर कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है L1 से L5 तक, ये लाइटिंग कंट्रोल के लिए है, सेट टाइम फॉर लाइटिंग ऑन ऑफ। तो इसमें आप 5 फीचर्स, आप लाइटों के 5 ऑप्शन सेट कर सकते हैं L1 से L2, L3, L4 और L5। इन्हीं कोड का यूज़ करके आप अपनी लाइटिंग वगैरह को टाइमिंग पे लगा सकते हैं। तो उसके नीचे आ जाता है HAL और LAL। HAL का मतलब होता है हाई अलार्म और LAL का मतलब होता है लो अलार्म, सेट हाई लो टेम्परेचर अलार्म, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंट्रोल शेड का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 20 डिग्री से नीचे चला जाए तो अलार्म बजना शुरू हो जाए और मैक्सिमम जो है वो 30 या 25 से ऊपर चला जाए तो अलार्म बजना शुरू हो जाए। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कंट्रोल शेड के टेम्परेचर के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो
यही फीचर होता है हाई अलार्म और लो अलार्म का। उसके बाद हम दूसरी साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर फॉर फैन ऑन ऑफ, यानी कि जब हम इस सिलेक्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। ये कम्प्लीटली प्रोसीजर मैं आपको पैनल में जाके करके दिखाता हूँ, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट के बटन को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर फॉर फैन ऑन ऑफ ये वाली लाइट ऑन होगी और यहाँ पे लिखा जाएगा F01, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन हम इस बटन को या इस बटन को प्रेस करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये बटन है किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, और ये जो एरो का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ है इससे हम किसी भी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये जो एरो का निशान नीचे की तरफ बना हुआ है इससे हम किसी भी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से हम किसी भी वैल्यूज़ को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यही था इसका मेन ओवरव्यू। अब हम चलते हैं कंट्रोल पैनल की तरफ और वहाँ पे हम इसको ऑन करके इसका जो कम्प्लीटली प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे सेंसर का एक प्लग है, यहाँ पर हम वो अटैच कर सकते हैं सेंसर, और यहाँ पे कंट्रोल में से जितनी भी वायर्स हैं ये सभी 220 के फेज़ हैं, यानी कि इनमें से 220 वोल्ट जो है वो आउटपुट निकल रही होती है। और सेंसर जो है, सेंसर इसमें दो सेंसर अटैच किए जाते हैं, एक होता है इन हाउस टेम्परेचर का सेंसर और एक होता है ब्रूडिंग टेम्परेचर का सेंसर। जी, तो ये वाला सेंसर इसमें यूज़ किया जाता है, मैं आपको दिखा दूँ ये वाला सेंसर, इसको हम कंट्रोल शेड के अंदर लगाते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है और मैसेज देता है अपने कंट्रोलर पर, और फिर कंट्रोलर जो है वो उसी के हिसाब से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इस तरह के दो सेंसर लगाए जाते हैं, एक इन हाउस टेम्परेचर के लिए और दूसरा ब्रूडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था नीचे, ये जो कंट्रोल का ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रही है ये सभी 220 वोल्ट के पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे आप देखें कि ये 12 फैंस और ये हीटर कंट्रोलिंग वगैरह के जितने भी फेज़ हैं 220 फेज़, वो यहाँ से आउटपुट देंगे आपको, और यहाँ पे जैक लगा के आप उनकी आउटपुट जो है वो अपने पैनल के अंदर कॉन्टैक्टर वगैरह में या ब्रेकर या रिले के अंदर उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मेन सप्लाई का प्लग लगता है जो कि 220 वोल्ट पे ये कंट्रोलर काम करता है, और ये नेटवर्क वगैरह के लिए होता है ऑप्शन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंट्रोल पैनल की तरफ, वहाँ पे जाके हम इसको ऑन करके इसकी कम्प्लीटली जो है वो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।